भोपाल के तलैया क्षेत्र में कारोबारी पर गोली चलाने का मामला सामने आया था, जिनमें से पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फलाना एक पर्टिकुलर गैंग का होना बताया गया है, तो पुलिस भी थोड़ा सीरियसली देखने लगी कि ऐसा कोई एंगल तो नहीं। फरियादी ने एक चीज़ और बताया था कि एक व्यक्ति के साथ में जो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, आमिर और बर्फ बुला के उसको 2010 में एक मर्डर के मामले में भी ये बंद हो चुका है, तो उसका निरंतर उससे लड़ाई चल रहा था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने, क्योंकि जानलेवा हमला था, गोली लग गई थी 307 की कायमी करके उसमें भेजना शुरू की। उस दिन सुबह फरियादी को फोन में एक धमकी भरा हुआ ऑडियो मैसेज और एक कुछ मैसेजेस भी आए, उसमें उन्होंने फलाना एक पर्टिकुलर गैंग का होना बताया भी गया था, तो पुलिस ने उसको थोड़ा सीरियसली देखने लगे कि ऐसा कोई एंगल तो नहीं। फरियादी ने एक चीज और बताया था कि एक व्यक्ति के साथ में जो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, आमिर उर्फ बर्फ बुलाते हैं उसको, 2010 में एक मर्डर के मामले में भी ये बंद हो चुका है, तो उसका निरंतर उससे लड़ाई चल रहा था कि इस बात को लेते हुए कि जो दुकान उन्होंने खरीदा है 2017 या उससे पहले उन्होंने 18 में खरीदा है उन्होंने, तो वो उसी दुकान के लिए जो पुराने ऑनर थे उनको इन्होंने एडवांस दिया था करके, और बार बार उसका पैसा इन्हीं से मांग रहे थे, जो दुकान अभी जो नया खरीदा उन्हीं से वापस मांग रहे थे। तो इस बात को लेकर इनका एक पहले लड़ाई हुआ, तो थाने में एक आध महीने पहले एक 323 का भी कायमी हुआ था, इनका आपस में झगड़ा हुआ था। बाद में जो अमीर उर्फ बर्फ का ब्रदर को भी चोट लगी तो एक काउंटर कायमी भी हुआ था। तो जब ये बातें आई, एक पर्टिकुलर नंबर से मैसेज आया पुलिस को, तो पुलिस उसकी जांच में लगी रही, तो एक गाड़ी में एक सेंट्रो गाड़ी है उसी में ये लोग स्पॉट पे आए थे, पुलिस ने उसको भी ट्रैक किया, तो उस आधार पर हमने 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार हुए हैं, एक अहद है, एक कासिफ है और एक जमील है, और ये जमील वही व्यक्ति है जो उस वीडियो में तलवार से उनके ऊपर हमला किया था, वही व्यक्ति है, और ये बाकी दोनों जो इनको गिरफ्तार किया है, ये 5 लोग जो है घटनास्थल पर आए थे, एक गाड़ी लेके आए थे, एक बाहर खड़ा था, और 4 लोग जो है दुकान 3 लोग जो है दुकान के अंदर आए थे, और ये किसका जो मुख्य षड्यंत्र जो है, ये अमीर उर्फ बर्फ जो है, जिसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जो जिनका उनके साथ जो विवाद चल रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं थे, एक दूसरे जगह पे मौजूद थे, खास करके उस दिन जब इलेक्शन के काउंटिंग चल रहे थे उसके आसपास वहां पे वो थे, तो वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगी हो, शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं वहां पे नहीं हूं तो मेरे ऊपर नहीं आएगा, बट ये हमने पूरा हमारा जो साइंटिफिक जो एविडेंसेस जो हमारे सामने आई है, जो सारे CDR का एनालिसिस और जो आपस में इनकी जो बात हुई है और जो गिरफ्तार हुआ आरोपियों ने जो बयान दिया है, उसके आधार पर ये क्लियर हो गया कि ये पूरा प्लानिंग जो है इन लोगों ने किए थे, और इसको उन्होंने ये 5 लोगों ने जाके अंजाम दिया था। तो अभी हमने 3 को पकड़ा है, 3 के लिए हमारे 2 टीम जिले के बाहर, 2 टीम हमारे काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया। नमस्कार, मैं अनुज पाल, KKR न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए KKR न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं अनुज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।